हमारे साथ जुड़े रहने के लिए ज्ञान ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। क्या आपका भी फ्लिपकार्ट नहीं चल रहा है? क्या आप जानना चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट की हम रिफ्रेश प्रॉब्लम को कैसे ठीक कर सकते हैं? तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। हेलो, नमस्ते, मेरा नाम है सनोज। तो चलिए इसे देखने के लिए चलते हम अपने फोन पे। सो यहाँ पर अब हम अपने फ्लिपकार्ट पे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन किया हुआ है। सबसे पहले आप अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमारा जो फ्लिपकार्ट है वो नहीं चल रहा है, इसमें कुछ भी रिफ्रेश भी नहीं हो रहा है। तो इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वही हम देखने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में फ्लिपकार्ट को ओपन कर लीजिए और यहाँ पे जैसे मैं आपको दिखा दूँ रिफ्रेश करके या फिर कोई प्रोडक्ट में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये बिल्कुल भी यहाँ पे खुलता नहीं है और यहाँ पे इस तरह से एरर आ जाएगा। देख सकते हैं ये समथिंग वेंट रॉन्ग आ गया है, रिट्राई आ गया है लिखा हुआ और ये नहीं होता है। तो ये किस लिए होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं वही हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको यहाँ से बाहर आइए। देख सकते हैं समथिंग वेंट रॉन्ग लिख रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट से बाहर आइए और अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करना है, उसके बाद ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। सो इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन अपना चेक करना है। सबसे पहले तो आपको ऊपर से स्लाइड करना है और चेक करना है कि आपका जो इंटरनेट है वो ऑन है कि नहीं, इंटरनेट देख लेना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और उसके बाद इसे डिसेबल कर देंगे। यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि आपका जो नेटवर्क है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं और उसके बाद डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कनेक्शन भी आ चुका है। अब आप जाके फ्लिपकार्ट में चेक कर सकते हैं कि अब आपका जो प्रोडक्ट है वो रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं, फ्लिपकार्ट में चल रहा है कि नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है कुछ भी तो आपको जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऐप लिस्ट पे जाएंगे और यहाँ पे आपके सारे ऐप का लिस्ट खुल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्लिपकार्ट ढूंढ लेना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा फ्लिपकार्ट। सो हम फ्लिपकार्ट पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले तो इसे फोर्स स्टॉप लगाएंगे एक बार और उसके बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज पे क्लिक करना है और क्लियर कैच करना है। क्लियर डाटा नहीं करेंगे, इससे आपका जो अकाउंट है वो लॉग आउट हो जाएगा, आपको फिर से लॉग इन करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है डाटा यूजेज डिटेल्स, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक कर लेना है कि ये जो दोनों ऑप्शन है डिसेबल मोबाइल डाटा और डिसेबल वाईफाई, ये दोनों ऑफ रहना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी ऑन है तो आपको इसे फटाफट से ऑफ कर लेना है और उसके बाद अब यहाँ से आप बाहर आएंगे। और अब यहाँ पे हमारा सेटिंग हो गया है कम्प्लीट, यहाँ से हम बाहर आ जाते हैं। अब आप वापस से फ्लिपकार्ट में जाके चेक कर सकते हैं कि अब आपका फ्लिपकार्ट चल रहा है कि नहीं। मोस्टली केस में यही प्रॉब्लम होता है और अब आपका फ्लिपकार्ट चलना शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर फिर भी नहीं चलता है तो अब आपको एक और सेटिंग करना है। सेटिंग पे जाना है, उसके बाद ऊपर आपको मिलेगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपका जो डिफॉल्ट कार्ड सेटिंग है उसमें आपका जो नेटवर्क है, जैसे यहाँ पे मैं सिम नंबर 1 में इंटरनेट को चला रहा हूँ, तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि सिम 2 सेलेक्ट हो जाता है या फिर कई बार 2 में चला रहे थे तो 1 सेलेक्ट हो जाता है, इसके कारण भी हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपर ढंग से नहीं आ पाता है। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि कौन से सिम में आप नेट चला रहे हैं, कौन से सिम में आपका जो रिचार्ज है वो है, वही आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपका कनेक्शन आ जाएगा और उसके बाद अब आपको फ्लिपकार्ट में जाना है। तो फ्लिपकार्ट हम ओपन कर लेते हैं एक बार। ये रहा, मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट ओपन किया और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है सक्सेसफुली रिफ्रेश वगैरह हो रहा है। सो देख सकते हैं ये सब रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे अब हमारा फ्लिपकार्ट चलना शुरू हो गया। चलिए एक प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पे इसे हम क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा था, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं प्रोडक्ट यहाँ पे खुल चुका है। तो अब हमारा फ्लिपकार्ट यहाँ पे खुल रहा है। अगर आपका फिर भी फ्लिपकार्ट नहीं खुलता है इतना कुछ करने के बाद भी, तो आपको चेक कर लेना है कि आपके मोबाइल डाटा है जो भी इंटरनेट है वो आपका है या नहीं है। हो सकता है आपका इंटरनेट खत्म हो गया होगा, इसके कारण भी आपका फ्लिपकार्ट नहीं रिफ्रेश होता है। तो आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल में इंटरनेट डाटा बचा हुआ है या नहीं, और उसके बाद ये सब स्टेप्स करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो यही स्टेप्स होता है
और इसी तरह से आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं।